असम प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग की पॉपुलर फ्रंट बेलगाम ने की निंदा। पुलिस के खिलाफ कार्यवाही और अमानवीय बेदखली अभियान पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए बेलगाम डीसी को अपना मेमोरेंडम दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बेलगाम ने अपने मेमोरेंडम में असम में जारी जबरन बेदखली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या और उन पर पुलिस के अत्याचार की निंदा की है। असम से आने वाले वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। पुलिस को देखा गया कि वे महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोगों पर बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो पुलिस के बीच फंस गया, उसे बेदर्दी से पीट पीट कर मार दिया गया। यहां तक कि इस बर्बरता में मीडिया कर्मियों को भी शामिल देखा गया। खबरों से पता चलता है कि मरने वालों की असल संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। मारे गए तीन लोगों में शायद एक नाबालिग है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले असम के अधिकारियों ने अवैध कब्जे का आरोप लगाकर बिना किसी पुनर्वास योजना के लगभग 4,500 गरीब बेसहारा लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया था। सरकार की इस कार्यवाही के खिलाफ अदालत में अभी मामला चल ही रहा था कि लगभग 800 परिवारों को भारी बारिश में सड़कों पर फेंक दिया गया और उनके घरों को तबाह कर दिया गया। यह उस नस्ली नफरत का एक नया अध्याय है जिसे राज्य के बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के खिलाफ खोला गया है। असम की बीजेपी सरकार की सांप्रदायिक विभाजनकारी नीतियां हालात के इस हद तक बढ़ जाने का एकमात्र कारण है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जातीय के सांप्रदायिक अभियान के द्वारा अपनी राजनीतिक बिसात को मजबूत करने में लगे हैं। यह बेदखली अभियान अमानवीय है। पॉपुलर फ्रंट बेलगाम न्यायपालिका से मांग करता है कि वह हस्तक्षेप करते हुए इस बेदखली पर तत्काल रोक लगाए और जिन लोगों को उनके घरों से निकाला गया है उनके पुनर्वास को सुनिश्चित बनाए। पुलिस फायरिंग में पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा देने के लिए कदम उठाए जाए। साथ ही पॉपुलर फ्रंट बेलगाम पुलिस के अत्याचार की न्यायिक जांच और हत्या के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की भी मांग करता है। पीएफआई बेलगाम के जिम्मेदार अबरार गरग इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असम के मुद्दे पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में प्रदर्शन कर रही है। आर्टिकल 14 के तहत हर एक भारतीय को अपने हक के लिए प्रदर्शन करने की इजाजत है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या बहुत ही निंदनीय है। इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच हो। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएफआई बेलगाम के जिम्मेदार नवीद कटकी, अबरार गरग, रेहान और आदि मौजूद थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट कर रहा है इस टॉपिक से, इस जो अभी चल रहे हालात उन टॉपिक्स पर। हर जगह पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जहां कहीं भी हमारा एग्जिस्टेंस है, इस टॉपिक पर हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है कि वहां आसाम के अंदर जो बर्बरियत का एक माहौल बनाया गया है, 800 से ज़्यादा घरों पर बुलडोजर चला करके घर गिराए गए और वहां पर मुसलमान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे आर्टिकल 14 के तहत हर एक सिटीजन को इजाज़त भी है कि वो अपने प्रोटेस्ट कर सकें, तो प्रोटेस्ट के वक्त में पुलिस वहां पर फायरिंग करके तीन लोगों को शहीद करती है। उन तीन में एक जो है बच्चा भी है। वहां पर हम लोग प्रोटेस्ट के वीडियोस भी देख रहे हैं कि बहुत पीसफुली वहां के औरतें, बच्चे और मर्द जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, उनके ऊपर गोली बरसाना और लाठी बरसाना, ये वहाँ की संघी पुलिस ये एक्ट की है। और इसी में हम लोग एक फुटेज भी देख रहे हैं जिसके अंदर एक कैमरामैन है विजय बनिया बोलकर, वो जो है उस लाश पर आखिर में जा करके जंप करता है, कूदता है। और ये एक पूरे हिंदुस्तान का, आसाम जो है एक शेम हो गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसी एक इंसिडेंट को जो है, इसके साथ साथ में आए दिन जो ऐसे इंसिडेंट्स चल रहे हैं, ये इंसिडेंट्स के खिलाफ हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जुडिशियरी इंक्वायरी बैठे और वहाँ की पुलिस के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो, वो विजय शर्मा के ऊपर भी विजय बनिया के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो और जो लोग बेघर हुए हैं, मजलूम जो बेघर हुए हैं, उनके लिए जल्द से जल्द कोई इंतजाम किया जाए।
We'll be right back.